बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा की बगावत जदयू को बड़ी भारी पड़ी। ये लोजपा के बगावत का ही नतीजा था कि जदयू इस बार के चुनाव में महज 43 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं जदयू ने भी इस बात को स्वीकार किया है और इसे मानते हुए कहा कि एलजेपी की वजह से उसे इस बार के चुनाव में कई सीटों पर नुकसान हुआ। अब विधानसभा चुनाव को बीते हुए 2 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन जदयू का अब भी चिराग पासवान पर तकरार जारी है। आपको बता दें कि जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का एक बार फिर चुनाव परिणाम को लेकर दर्द छलका है। उन्होंने लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान की ओर इशारा करते हुए कहा कि कोई किसी की समय पर सभी प्रकार से मदद करे, उसे स्थापित करने में सहायता करे और जब मौका है तो वह छुरा भोंकने का काम करे। यह तो धोखा हुआ ना। आरसीपी सिंह ने कहा कि लोजपा ने सिर्फ हमारे साथियों के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन उनको क्या मिला? महज कुछ प्रतिशत वोट, जिससे कुछ नहीं होता। लेकिन बिहार की राजनीति में लोग उनको इस बात के लिए याद रखेंगे कि एक ऐसे नेता के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार दिया जिसने बिहार के सभी वर्गों के लिए, समाज के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि जो बिहार को विकसित बिहार बनाना चाहता है वो उनके पैरों पर जंजीर बांधने चाहते हैं। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोगों ने देखा होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरी ईमानदारी के साथ हम लोगों ने साथ मिलकर काम किया। 39 सीटों पर हमने सफलता हासिल की थी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 में एक पार्टी ऐसी थी जिसके 6 सीट थे और इन सीटों पर हम लोगों ने जीत दिलवाई थी। उस पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जो अब नहीं रहे, उनको राज्यसभा भेजने के लिए भी हमारे नेता ने पूरा योगदान दिया, लेकिन उनका जो रवैया इस विधानसभा चुनाव में रहा उसके बारे में बस यही कहूँगा कि यह अच्छा नहीं हुआ।